सो व्यूअर्स, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जो है इन फ्यूचर में फॉर्च्यूनर वगैरह आप बाई करना चाहते हो या फॉर्च्यूनर लेने की सोच रहे हो, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। भाई इसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या भाई इसमें लेटेस्ट जो है अपडेट्स क्या है, या फिर इसमें क्या एडवांस फीचर के साथ जो है कंपनी ने जो है फॉर्च्यूनर को लॉन्च किया है। तो आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है हमारे जयंत भाई है, उनसे हम मिलेंगे। आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जयंत पटेल है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले फॉर्च्यूनर ली, ओनरशिप रिव्यू हमें बनाना चाहिए, तो आई एम मोस्ट वेलकम। और आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये एक ओनरशिप रिव्यू है, बाकी जो है इससे पहले भी जयंत भाई ने जो है फॉर्च्यूनर के कई जनरेशन कई मॉडल्स वगैरह यूज कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में बेटर जो है आप वो बता पाओगे। और फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस अगर आप वॉच कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। तो भाई फॉर्च्यूनर की ये टॉप मॉडल लेटेस्ट मॉडल है, जो कि 2023 की 24 अगस्त की ये परचेजिंग डेट है। और अभी जो है इसके बारे में ऑनेस्ट जो इम्पोर्टेंट और क्या एडवांटेजेस है इस कार में, आपको वो मैं सारी चीजें मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो भाई फॉर्च्यूनर का तो वैसे तो मैं बताऊँ नाम ही काफी है, क्योंकि यार बहुत सारे लोग सेफ्टी की वजह से भी इसे बाई करते हैं। तो जयंत भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने 4 टाइम जो है फॉर्च्यूनर ही बाई किया है। तो एक मेरा सबसे पहला बेसिक सा एक सवाल ये है कि आप फॉर्च्यूनर जो है 4th टाइम, मतलब भाई 4 बार फॉर्च्यूनर ही लेना बड़ी बात होती है, तो आपने क्या एडवांटेजेस है, क्या ऐसी चीज़ है कि आपने फॉर्च्यूनर ही लिया है? अफरोजी, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बार जब आप टोयोटा पे जाते हैं, हाँ, तब आपके मन में काफ़ी सवाल होते हैं, कंपनी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, गाड़ी इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसका प्राइस अब काफ़ी हाइक हो चुका है। 2010 में हमने पहली ली थी, अब इट वाज अराउंड 24 और आज ये 45 प्लस हो चुकी है। तो मैं अफरोज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ओल्डर जनरेशन ऑफ फॉर्च्यूनर्स की पिक्चर्स टॉप राइट या टॉप लेफ्ट में आप लगा दें। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो भाई ने जो ओल्ड टाइम जो है परचेजिंग की थी यहाँ पर फॉर्च्यूनर वगैरह, उसकी जो पिक्चर्स कुछ है। तो हमें सबसे पहले बेसिक से आप हम स्टार्ट करेंगे, 50 लाख के अराउंड मतलब ये आती है। बताना चाहूंगा कि फॉर्च्यूनर का जो टॉप मॉडल है जीआर स्पोर्ट्स जी, वो लखनऊ में इस वक्त 58 लाख आ रहा है ऑन रोड। तो टोयोटा ने अपनी इस गाड़ी को 60 लाख तो टच करा दिया है, विच इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा है इस गाड़ी के लिए, बट स्टिल लोग खरीदते हैं इसको। ये इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी एडिशन है, ये 4x2 ऑटोमेटिक वर्जन है जो हमने लिया है। ये 4th टाइम परचेज है फॉर्च्यूनर का, मेरे फादर का 4th टाइम परचेज है, मैं उस वक्त बड़ा छोटा रहा हूँ। और दी ओनली फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है, हम बार बार क्यों एक ही कंपनी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है रिलायबिलिटी। आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी के बारे में बताते हैं, बट एज एन ओनरशिप मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि आप इस गाड़ी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रात में 12 बजे उठ के किसी इमरजेंसी में जाना है, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चलना है, तो जितना ट्रस्ट आप इस ब्रांड पर कर सकते हैं, आप इस रेंज में BMW की X1 ले सकते हैं, मर्सिडीज की ए क्लास लिमोजीन आती है, ऑडी की A3 भी आने लगी है, ऑडी Q2 भी आने लगी जो है। एक चीज हमें ये बताया, ऑडी Q2 वगैरह इसमें जो फीचर्स वगैरह है, तो उसमें तो फीचर जो है इससे ज़्यादा एडवांस है, लेकिन फिर भी आपने जो है यही गाड़ी चूज़ किया, तो इसके कुछ और जो है एडवांटेजेस वगैरह हमें कुछ और बताएं। देखिए, जैसे आपने मुझसे फीचर्स के बारे में पूछा जी, लोग कंप्लेन करते हैं कि टोयोटा फॉर्च्यूनर फीचर नहीं देता और इतनी महंगी गाड़ी देता है। हाँ, मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि फीचर्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं 2 हिस्से में, एक होते हैं प्राइमरी फीचर्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी फीचर्स। इस गाड़ी में प्राइमरी फीचर्स रॉक सॉलिड है। प्राइमरी फीचर्स मतलब है इसकी इंजन रिलायबिलिटी, इसकी ब्रेकिंग, इसका पावर आउटपुट जो कि 204 हॉर्स पावर का है, 204 विच इज बेस्ट इन द क्लास। इस कार में ऐसा क्या चीज़ खास है, और ओल्ड कार जो आपके पास थी उसमें क्या रीज़न था कि आप उसको हटा करके इस पर स्विच किए हो, आप इसका अपग्रेड मॉडल में? बिल्कुल, ओल्ड में मेरे पास अभी इससे पहले 2013 की फॉर्चुनर ही थी वाइट में, जो कि अराउंड 1,80,000 चल गई थी। अच्छा, उसके बावजूद वो काफ़ी नई जैसी कंडीशन में थी। रीज़न बस इतना सा था कि एक बार हम दिल्ली गए थे और वहाँ 10 साल वाला रूल है, हाँ, और वहाँ पर गाड़ी रोक ली गई थी और कहा था कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल कार अलाउड नहीं। दूसरे दिन सोच लिया था अब नई बुक करानी ही पड़ेगी। ओल्ड मॉडल में इसका क्या फीचर था और न्यू में क्या फीचर है? देखिए, अगर फीचर के टर्म्स में मैं बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस ओल्ड मॉडल इसका Type 2 वर्जन कहा जाता है मार्केट में, और ये Type 4 वर्जन है, विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन। इसमें उसमें फीचर्स में बहुत अंतर है, बीट द बिल्ड क्वालिटी, बाहर से बॉडी की डिज़ाइन, गाड़ी के अंदर से इंटीरियर, और खासी खास वेंटिलेटेड सीट, जो मेरे लिए भी एक नया फीचर। बस वेंटिलेटेड सीट जो है ये बहुत ज़्यादा इस गाड़ी को और जो है कुछ स्पेशल बनाती है। आपने अभी जो है 24 की परचेजिंग ही है, फिर भी कितने किलोमीटर आप इसको यूज़ कर लिए हैं?
महज 2-3 दिन में हमने इसको अराउंड 450 किलोमीटर चला लिया है। 450 किलोमीटर हमारा डीजल लेने का उद्देश्य ये था कि हमारी रनिंग ज्यादा है। हाँ, वी आर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, हमें अपनी साइट विजिट करने के लिए रूरल एरियाज में जाना पड़ता है जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, रनिंग वैसे भी ज्यादा है। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, हमारी जो फर्स्ट फॉर्च्यूनर थी जो 2010 में हमने ली थी, इससे पहले से भी पहले उसको हमने लगभग 321,000 किलोमीटर चलाया था, और बताना चाहूंगा कि उसमें एक भी बटन खराब नहीं हुआ, इतनी अच्छी रिलायबिलिटी। अच्छा, ट्रस्ट बिल्ड करती है, बिल्ड करती है बिल्कुल। एक चीज हमें और ये बताया जयंत भाई, ये फॉर्च्यूनर आपको कितने की पड़ी, और इस रेंज में और भी कुछ गाड़ियां हैं तो आप उसको छोड़ करके आप इसको चूज किए, तो रीजन इसमें क्या डिफरेंस है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 4x2 ऑटोमेटिक वर्जन है और ये हमें एग्जैक्ट 44 पॉइंट समथिंग का पड़ा है। एक्सेसरीज मिला के आप अप्रोक्सीमेटली इसको 45 समझ सकते हैं। 45 और इस रेंज में हमने और भी गाड़ियाँ देखी, जैसे मर्सिडीज की ए क्लास लिमोजीन जो 52 की आती है, BMW की X1, तमाम ऐसी गाड़ियाँ देखते ही हमारा मन बना कि वही लेना चाहिए जो इतने सालों से हम ले रहे हैं। इसका और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो गाड़ियाँ अपनी जगह अच्छी हैं। हाँ। बट हमारी प्रोफाइल, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, यही बेटर है हमारे, आपके लिए बेटर एक यही है। लोगों का ये परसेप्शन है कि लोकल सिटी में ट्रैवल करने के लिए ये बड़ी गाड़ी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इसकी स्टीयरिंग भी थोड़ी सी हार्ड है, बट मुझे ये फिर भी एडवांटेजेस लगता है कि ये इतनी बड़ी गाड़ी है, स्टीयरिंग इसकी थोड़ी सी स्टिफ होनी चाहिए। बिल्कुल, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है जब आप ड्राइव करते हैं। और बात रही लोकल में बड़ी गाड़ी, ट्रैफिक एंड ऑल दोस थिंग्स, मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ, इस गाड़ी से जब आप चलेंगे, जब आप इस गाड़ी पे हाई बीम देंगे तो सामने अपने आप लोग क्लियर करते हैं, रोक रास्ता देते हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी पेडेस्ट्रियन। तो एक चीज हमें जयंत भाई ये बताएं, ये गाड़ी जब आप ड्राइव करते हो तो स्टीयरिंग वगैरह और गियर बॉक्स वगैरह, इस वाइब्रेशन टाइप का कोई इशू? देखिए, मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा पुरानी जनरेशन ऑफ फॉर्च्यूनर से, उसमें ये कंप्लेन जरूर रहती थी, वो गाड़ी काफ़ी ओल्ड स्कूल प्लेटफॉर्म पे बनी है, काफ़ी वाइब्रेशंस, काफ़ी आवाज़ और काफ़ी ग्रंट डीजल का आता था। बट अब क्योंकि वहाँ से हम अपग्रेड करके आ रहे हैं, ये गाड़ी मुझे इतनी स्मूथ लगती है एज इफ आई एम ड्राइविंग अ पेट्रोल वर्जन। अच्छा, ये पेट्रोल से भी ज़्यादा स्मूथ अब इन्होंने कर दिया है, रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी बेटर है पहले के मुकाबले, और मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस मामले। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जयंत भाई, इसमें वैसे इस गाड़ी में जो है सबसे स्पेशल फीचर की अगर बात करें तो वो आपको क्या लगा? देखिए, वैसे फीचर्स के मामले में मेरे लिए जो सबसे नया फीचर है, और हर एक फॉर्च्यूनर ओनर के लिए जो सबसे लेटेस्ट फीचर होगा, वो है वेंटिलेटेड सीट, जो कि काफी जो है इसकी स्पेशल फीचर है। जी, तो मैं बात कर रहा था वेंटिलेटेड सीट्स की। वेंटिलेटेड सीट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज़ फॉर द लेफ्ट हैंड सीट एंड दिस इज़ फॉर द राइट हैंड सीट, और ये गर्मियों में सीट्स कूल हो जाती हैं और ठंडियों में सीट्स हीट अप हो जाती हैं, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हाँ, तो ये बहुत स्पेशल इसमें जो है लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ आपको इसमें कनेक्टेड एप्पल कारप्ले मिलता है, एप्पल कारप्ले, जिसे आपको यूज़ करने में काफ़ी इजी हो जाता है। आप नेविगेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल की पूरी स्क्रीन यहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट हो रही है, जो कि आजकल लाइक स्क्रीन कास्ट लोग कहते हैं कि काफ़ी छोटी गाड़ियों में भी और बजट फ्रेंडली गाड़ियों में भी ये फीचर आने लगा है, बट भाई इस गाड़ी में तो ये अभी आया है, आई एम वेरी हैप्पी कि एक अच्छा फीचर है। एक और चीज़ मैं आपको नोट कराना चाहूँगा, जो कि इसका कूल बॉक्स है, जो कूल बॉक्स जिसमें आप अपनी ठंडी कैंस रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स रखते हैं, तो ये बढ़िया है। तो एक क्वेश्चन मेरा और है जयंत भाई, एड ब्लू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एड ब्लू इसका BS6 का एक लेटेस्ट वर्जन है, मुझे लगता है कि शायद 2019-20 या 2021 फॉर्चुनर से आना शुरू हुआ है। इसके कुछ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, बट ये पता है कि लगभग 7,000 से 8,000 किलोमीटर के इंटरवल पे आपको इसको फिल अप कराना होता है और अराउंड 9 लीटर के आसपास ये गाड़ी एड ब्लू होल्ड कर लेती है। इट्स ऑल इन ऑल एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये जो है कार, आपको अंदर से जो है ये कार आपको कैसी लगी? अंदर से ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम फिनिश देती है। हाँ, जो चीज़ मेरे लिए नया है, काफ़ी ऑडियंस के लिए भी नया होगा, वो डुअल टोन। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ दो कलर में इंटीरियर है, ब्लैक विद केमोइस, इसको कंपनी केमोइस बोलती है, जो कि टैन, लाइट टैन कलर का इंटीरियर है। ये इंटीरियर आपको BMWs में ज़्यादातर दिखेगा, पर इस वक्त टोयोटा ने भी इसको लॉन्च किया है और डुअल टोन में काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पर भी डुअल टोन की फिनिशिंग दी हुई है बाकायदा, और जितने भी टच पॉइंट्स हैं आपके, भले ही ये पार्ट हो, आर्मरेस्ट हो, सेंटर कंसोल हो, या फिर कोई भी पार्ट हो, जितने भी टच पॉइंट्स हैं आपके, वो सारे के सारे लेदर हैं। इनफैक्ट ये छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पर सॉफ्ट टच लेदर्स हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं लग्जूरियस इंटीरियर में एड ऑन करती हैं। बिल्कुल, सीट्स का कलर भी केमोइस कर दिया है और पीछे तक
ये सारी चीज काफी खूबसूरत इंटीरियर बना के देता है, अनलाइक द प्रीवियस फॉर्चूनर जो कि ऑल ब्लैक या फिर एकदम डार्क वर्जन में आती थी, सिंगल टोन जिसे कह सकते। गियर डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट्स वगैरह कैसे लगे आपको? गियर डैशबोर्ड का लेआउट इज जस्ट लाइक द ओल्ड वन, काफी ओल्ड स्कूल है बट यही बेस्ट है क्योंकि हाँ। यही सबसे ज्यादा रिलायबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्क मोड है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव मोड है, और जब आप ड्राइव मोड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है जहाँ पर आप मैन्युअली गियर्स को प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इको मोड भी दिया हुआ है विच इज़ फॉर बेटर फ्यूल इकोनॉमी। नॉर्मल मोड पे तो हम रेगुलर गाड़ी चलाते ही हैं और इसका स्पोर्ट मोड काफ़ी खतरनाक है, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल है, इतनी पावर है इसमें। तो जयंत भाई ये कार जो है ऑटोमेटिक है, तो जैसे इसको ऑटोमेटिक वगैरह पे हाई स्पीड में अगर कभी रन करते हैं तो किसी तरह से कोई इशू तो नहीं आता? मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक इज़ अ बेटर एडवांटेजेस वर्जन। इनफैक्ट जो ऑटोमेटिक वर्जन है वो मैनुअल वर्जन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, अराउंड 3.5 लाख के आसपास का डिफरेंस है, और वो वर्थ द डिफरेंस है क्योंकि ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ती है आपको शहर में चलाने के लिए। गाड़ी अपने आप बेस्ट गियर में अपने आप को डाल के बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करती है। और आप कह रहे थे हाईवेज पे चलाने के लिए, तो इसमें गाड़ी ने यहाँ पर एक क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है जी। ये क्रूज कंट्रोल आपकी हेल्प करता है जब आप हाईवेज पे हाई स्पीड में क्रूज करते हैं 110-120 पे भी से सेट कर सकते हैं, और विदाउट एक्सेलेटर विदाउट ब्रेक पेडल आप इजिली इस गाड़ी को मैनूवर कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल ड्राइव ऑन हाईवे। तो हमारे साथ जो है विजय अंकल है। विजय अंकल ये बताइए इस कार के जो है सनरूफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सनरूफ कंपनी नहीं दे रही है, तो वो बेसिकली टोयोटा का मेन कंसेप्ट रहता है ड्यूरेबिलिटी। ये कहीं ना कहीं अगर गाड़ियों में सनरूफ होता है तो ड्यूरेबिलिटी में कहीं ना कहीं कमी आती है। ठीक है, तो टोयोटा बेसिकली अपनी जो है मजबूती को लेकर फेमस, क्वालिटी को लेकर फेमस है, मजबूती को लेकर फेमस है, हाँ। तो उसको माइनस नहीं करना चाहते। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सनरूफ नहीं है, मेन रीजन ये है कि वो अपनी क्वालिटी और समझौता नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रही बात सनरूफ की, तो सनरूफ को मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा यूज रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप लेने तो जाते हैं बट उसका यूज कितना करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर डिपेंड करता है। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा विजय अंकल की बात में कि उनके पास एक हुंडई वर्ना है जिसमें सनरूफ है, हाँ। और शायद ही उन्होंने एक या दो साल में एक बार भी उसको नहीं खोला होगा। सही अच्छा? कह रहा हूं ना, एक बार भी उसको ओपन नहीं किया होगा। जैसे कि बताएं यूज इसका बहुत कम रहता है, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। जिसके लिए हो तो भाई आप जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, दे सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसका कोई प्रैक्टिकल कोई मेन रीजन है कि यूज कर रहा है। बट अगर कंपनी देती तो वेल एंड गुड, अच्छी बात थी, हो सकता है आने वाली जनरेशन में दे मिल जाए, बट नहीं भी देगी तो इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। तो विजय अंकल एक चीज़ हमें ये बता दें, ये जो इस कार में लिए अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए बैक साइड की जो ये सीट है वो कैसी है? बेस्ट है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मेरी हाइट समथिंग 6 फीट 5 फीट 8 इंच समथिंग है जी। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में वक्त 4 से 5 इंचेस का गैप दिख रहा होगा बिल्कुल। और ये बैक साइड पीछे बैठे हुए हैं तो बेसिकली गाड़ी जो डिजाइन होती है 2 पैसेंजर्स ऑफ द मेन सीटेड एंड सेकंड पोर्शन ऑफ द 2 सीटेड ओके। बट यहाँ पे जब 3 और 4 बैठा लोगे तो प्रॉब्लम कोई भी गाड़ी में हो सकती है। अगर 2 लोग बैठोगे तो बेस्ट ऑफ द सोफा जैसा फीलिंग आती है कि घर में सोफा में बैठे हुए। तो जयंत भाई ये गाड़ी जो है आप विद फैमिली ट्रैवल करते हैं या फिर सिंगल ही जाना पसंद करते हैं कहीं? देखिए हमारा दोनों तरीके का यूज है। रेगुलर बेसिस पे तो हम अपनी एक कंस्ट्रक्शन साइट विजिट के लिए इस गाड़ी को यूज करते हैं, अकेले ही विजिट करते हैं 2 या 3 लोगों के साथ में। बट हमने इस गाड़ी के साथ, इसकी ओल्डर जनरेशन जैसा कि आपने बताया व्यूअर्स, उसके साथ हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल किए हैं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं उत्तराखंड में लगभग सारी जगह गया हूँ, बद्रीनाथ गया हूँ विद माय फैमिली, जो कि एक परफेक्ट कार है इस फैमिली के लिए भी और कार के लिए नॉर्मल। दिल्ली अगर आपको जाना है 6 से 7 घंटा इज़ वेरी इजी, आप इस गाड़ी से जा सकते हैं बहुत आसानी से कभी भी। मैं इस गाड़ी से लगभग सारी जगह गया हूँ। तो विजय अंकल हमें ये चीज़ बता दें, जो बैक साइड की एकदम जो सीट है वो अगर जैसे अगर किसी को बैठा दे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो कैसा है, क्या है? देखिए बेस्ट है, बैक सीट भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई ये बेसिकली होती है इमरजेंसी टाइम में, अगर आपको फैमिली के साथ में ट्रेवल करना है तो छोटे बच्चों को आप बैठा सकते हैं कि लगेज वगैरह रख सकते हैं, और इतना ज़्यादा यूज नहीं रहता है बैक साइड की सीटों का। ओके, क्योंकि हम लोगों को 2 या सिंगल या 2 या 3 आदमी ही चलते हैं। टेल गेट का एक एडवांस फीचर और है, उसके बारे में कुछ हमें दिखाई आइए। चलिए आइए, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट जी, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बूट स्पेस है। ये दो सीट्स तो हम रेयरली यूज़ करते हैं, 90% ऑफ द टाइम्स ये दोनों सीट्स यूज़ नहीं होती हैं। हाँ, बाकी इसका जो है इसको लगा कर भी दिखा देता हूँ, इट्स वेरी इजी। ये स्पेशल है, हाँ, यहाँ पे डाउन करना है।
और यहाँ पे आप इसको अप कर सकते हैं ये, और यहाँ पर आप इसको मैनूवर कर सकते हैं आगे या पीछे की तौर। अच्छा, इसके बावजूद भी आपके पास यहाँ पर काफी स्पेस लगेज वगैरह का अच्छे से आप कैरी कर सकते हो इसमें, कर सकते हैं, बाकी बैठ भी सकते हैं इसमें आप, कोई जो है इतना इशू नहीं है। तो इसका टेल गेट ओपन करने के कंपनी ने दो ऑप्शंस दिए हुए, दो ऑप्शंस। पहला तो आप इस की से, इस की की मदद से कर सकते हैं, आप इस की को दिखा सकते हैं, और यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ और ये टेल गेट ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है जब आपके हाथ, दोनों हाथ में सामान हो, हाँ, और तब थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तब आप सिंपली इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टाइलिश फीचर है इसको क्लोज करने का, आप सेम की को लॉन्ग प्रेस करके इसको दबा सकते हैं, हाँ, नहीं तो आप यहाँ पर भी प्रेस कर सकते हैं इस बटन को, तो ये जो है आपका टेल गेट ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये बढ़िया एडवांटेजेस है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इसका DRLs काफ़ी अग्रेसिव लगते हैं। यहाँ पर गाड़ी ने हनीकॉम स्ट्रक्चर दिया है विद LED फॉग लैम्प्स, जो कि शायद ही किसी और गाड़ी में आपको मिलेंगे। ज़्यादातर केसेस में बल्ब लैम्प्स होते हैं। काफ़ी हाई प्रोफाइल का टायर है, 17 इंच अलॉयज हैं, बट द प्रोफाइल ऑफ द टायर इस काफ़ी बड़ा है। साइड की जो लेंथ है और ये जो क्रोम स्ट्रिप है आप देख रहे हैं, ये पूरी गाड़ी में रिपीट हो रही है एट दी एंड तक। इसके जो टेल लैम्प्स हैं वो काफ़ी स्लीक हैं, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। कंप्लीट LED हाउसिंग है, सिर्फ रिवर्स पार्किंग लैम्प्स ही बल्ब में दिए हैं, बाकी इट्स कंप्लीट LED। साथ ही साथ आपको एक 3D इफेक्ट भी देते हैं यहाँ पे। तो इन दी एंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमने इस गाड़ी को परचेज़ किया और हम काफ़ी खुश हैं। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से ओनरशिप रिव्यू से अगर आप इस गाड़ी को प्लान कर रहे हैं, इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी को प्लान कर रहे हैं, तो आपको शायद काफ़ी मदद मिलेगी अपने डिसीजन सही बिल्कुल करने में। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि हम किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में कैपेबल हैं, हम कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। अफरोज़ जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहे, कोई हमारे साथ काम करना चाहे, ना केवल लखनऊ में बट कि उत्तर प्रदेश और आसपास के तमाम प्रदेशों में, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप प्लीज स्क्रीन पर मेंशन है, मेंशन कर दीजिएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अच्छा काम करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये ओनरशिप रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच। तो कुछ जो है अब ड्राइविंग टेस्ट अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं, चलने पर क्या है पोजीशन, बाकी फीचर्स ओवरऑल सारी चीजें जैन भाई ने बता दी है। ऑन रोड भाई, ये ऑन रोड तो किंग है, ये गाड़ी काफी अच्छा इसका स्टांस मिलता है और काफी अच्छा आपको हाइट मिलता है। आप देख सकते होंगे बोनेट की दोनों क्रीसेस, दोनों एंड्स लेफ्ट एंड राइट काफी विजिबल है, तो रोड क्लैरिटी और रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी है कि आपको चलाने में बहुत आसानी हो। ये है मेरा खूबसूरत शहर लखनऊ, लखनऊ जिसकी आप एक आध क्लिप्स डाल सकते हैं। ये है अपना जो है भाई, ये तो नवाबों की नगरी है, इन द सिटी ऑफ नवाब्स। लखनऊ का मरीन ड्राइव है और सीट बेल्ट की वार्निंग यहाँ पे इस गाड़ी में ऐड कर दिया गया है। ये अलर्ट जो आप देख रहे हो, ये सीट बेल्ट का अलर्ट है। आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मैंने पहनी हुई है, हाँ, प्लीज कमेंट मत कीजिएगा, अफरोज भाई ने नहीं पहनी है। अरे अभी पहन ले रहे, बस वो अलर्ट हम दिखा रहे थे कि हाँ कुछ एडवांस फीचर्स है। ये देखिए मरीन ड्राइव का एक लुक, गोमती नदी है ये, लखनऊ की खूबसूरत। तो एक बार मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि आपको कैसी लगी है गाड़ी। भाई इसकी, इस गाड़ी की बताया ना, ये किंग ऑफ रोड है भाई। और आप लोग को ये कार कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपकी हेल्पफुल की वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।